तो आज मैं लास्ट टाइम ही आया था, लास्ट गुरुवार को आई थिंक, तो मैं चेन्नई से निकल गया था पर मैं उस टाइम ब्लॉग नहीं बनाया था, फिर अभी जाते जाते ब्लॉग बना रहा हूँ। ट्रेन तो पूरा खाली है, सीट तो मेरे को टिकट वगैरह मिल गया, तो यहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ अंधेरी के लिए। अंधेरी से मेरा शाम का फ्लाइट है 5 बजे का, डायरेक्टली चेन्नई कनेक्टेड नहीं है, तो हम यहाँ से निकलेंगे, अभी ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना भी लोकल चलो हुआ मतलब मैंने छोड़ दिया फिर में। तो अभी हम जा रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, डोमेस्टिक तो फिलहाल बंद है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू है। तो 5 बजे का मेरे को फ्लाइट है, तो चेन्नई लगभग आते आते 7:30 बज जाएगा। उसके बाद कल से फिर से अपना रेगुलर चालू हो जाएगा ऑफिस। तो अगर मेरे पास में से तो पास में था, तो अंधेरी से थोड़ा बहुत दूर है। तो अभी हम आ गए एयरपोर्ट की तरफ, तो यहाँ से जाएंगे अभी डिपार्चर के लिए दिल्ली का। अभी मेरे को पता ही नहीं कहाँ से मैंने गेट तो बड़ा तगड़ा वाला दिया, तो एक हाथ में संभाल को नहीं जाना, बहुत बड़ा एक बार नीचे मैं दिखा देता हूँ। अंदर चेकिंग करने वक्त एक बार कैमरा बंद कर देता हूँ मैं। अभी यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, नीचे चेकिंग करने का नहीं, नहीं बैग संभाला भी नहीं जा रहा कैंटीन का बैग, और मेरा बैग में लगभग 15 किलो के ऊपर हो गया लगता है। अगर 15 किलो के ऊपर हो गया रहेगा तो निकालना पड़ेगा मेरे को आगे, तो इसके लिए भी बैग लेना पड़ेगा मेरे को कैंटीन के लिए, और बहुत जरूरी। यहाँ से अभी हम जा रहे थे सीधा ऊपर, बहुत अंदर है पहले एयरपोर्ट पे, तो मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। ज़्यादा करके तो जो डोमेस्टिक रहते हैं वो तो अपना दूसरे एयरपोर्ट से रहता है, अभी तो डोमेस्टिक वाला बंद कर दिया, तो इंटरनेशनल से जाना पड़ता है। और यहाँ से कुछ इस तरह से गेट खुल रहा है, और ये पूरा व्यू रहने वाला है खुल। रॉन्ग वैसे तो नहीं आ रहा हूँ, तो अभी अंदर तो एंट्री आ गई, वेब चेकिंग वगैरह सब हो गया, पर मैंने मेरा बैग तो खुद के साथ ही कैरी कर लिया। तो अभी जा रहे हैं गेट नंबर बी की तरफ 43, और वहाँ से लगभग 5 बजे का फ्लाइट है मेरा चेन्नई के लिए इंडिगो। इंडिगो तो मेरे को हमेशा बेस्ट लगता है। भूख भी बहुत लगा है, खतरनाक वाला, तो पहला कुछ तो खाना पड़ेगा। ओके, तो 43 वहाँ पर है, तो ऊपर जाना पड़ेगा आई थिंक मुझे, तो कुछ इस तरह से है। चलो पहले ढूंढ लेते हैं 40। लाइट फिर से ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया, मेरे को इसका पूरा सेटिंग चेंज करना होगा फिर से। सो वन ऑफ माय फेवरेट कैब से मिल गया अपन को अभी यहाँ पर। खा लेते हैं मस्त पैके एक बॉक्स, क्या क्या देखते हैं। तो अभी हमने लिया है इसके साथ एक कोक कैप्सी का और चिकन जिंगर बॉक्स, तो कुछ इस तरह से यहाँ का अभी खींचेगा बढ़िया। मुझे तो जाना है ऊपर, पर पहले कर लेते अभी हाथ से नहीं डाइस पूरा।
तीसरा गेट नंबर है और लगभग और डेढ़ घंटा है बोर्डिंग स्टार्ट होने का, तो तब तक यहाँ पर बैठ लेते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं हमारे फ्लाइट का और टाइम का भी। आज शाम तक पहुँच जाऊँगा मैं 7 बजे तक ऑफिस में से। सो अभी तो हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर, एक मिनट रुको, एक मिनट होल्ड करो। हाँ बोलो। तो फाइनली मैं घर पे आ गया, अभी बज गया है 9:30। बहुत थक गया था इसलिए मैं डायरेक्टली वहाँ पर वीडियो स्टॉप कर दिया। तो इसी तरह ये वीडियो हम और ब्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको थोड़ा भी मज़ा आ गया हो तो हमारे चैनल पे जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड पीस आउट, बाय।